जाकर के प्रहलाद को डांटा, डांट लगाई। वहां जो तुम नारायण के विषय में सुना रहे थे, किसके कहने से सुना रहे थे, कहां तुमने सीखा है? प्रहलाद जी महाराज गुरुपुत्रों को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके कहा, गुरुपुत्रों ये भगवान की भक्ति सिखाने से नहीं आती है, ये भगवान की भक्ति कहीं पढ़ने से नहीं आती है। बोले फिर कैसे ये तुम सुना रहे थे? बोले भगवान नारायण के जो चरण है, इतना सुंदर दृष्टांत दिया प्रहलाद जी ने, यहाँ नारायण के जो चरण है वो है चुंबक और मेरा मन है लोहा। लोहा और चुंबक, चुंबक आप लोग जानते हैं ना, मैग्नेट। चुंबक और लोहे को पास में रख दिया जाए तो चुंबक लोहे के पास जाता है या लोहे को खींच लेता है? खींच लेता है। कितना सुंदर दृष्टांत दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुपुत्रो मैंने अपना मन नारायण को दिया नहीं है, नारायण ने खींच लिया है, जबरदस्ती मेरे मन को ले लिया है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसलिए नारायण की स्वाभाविक भक्ति मेरे जीवन में विद्यमान है। इस प्रकार देवर्षि नारद की कृपा से प्रहलाद जी को महाराज भगवान की भक्ति, रागानुगा भक्ति हो तो जन्म पूर्व जन्म से ही प्राप्त थी, फिर एक संत का सानिध्य मिल गया। इस प्रकार प्रहलाद गुरुकुल में महाराज अपनी अनेक लीलाएं करते हैं, और आगे और क्या क्या लीलाएं करेंगे या आप लोग कल से, ये चार पांच दिन हम लोग को जो चर्चा करनी है प्रहलाद जी की चर्चा करेंगे। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु। हरी लाल की जय, जय श्री।